हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जनन तंत्र के बारे में। और मनुष्य में जो जनन तंत्र होता है उस बारे में आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य है वो किस प्रकार का जनन के आधार पर प्राणी है, किसे कहा जाता है जनन। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जनन किसे कहेंगे। जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और मनुष्य है वह लैंगिक जननांग वाला प्राणी है, यानी लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। मनुष्य में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें नर एवं मादा होते हैं, वो दोनों अलग अलग उपस्थित होते हैं। नर के द्वारा जो युग्मक बनते हैं उस नर युग्मक को हम शुक्राणु कहा जाता है, और मादा के द्वारा जो युग्मक बनते हैं उन मादा के युग्मकों को हम अंडाणु कहा जाता है। और शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, ये अगुणित शुक्राणु अंडाणु बनने के बाद में इनमें आपस में निषेचन होगा, संलयन होगा, और निषेचन की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो इनसे युग्मनज बनेगा, और युग्मनज या जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में विभाजन होने के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होगी, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहा जाता है। मनुष्य के अंदर भी कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें नर युग्मक के रूप में शुक्राणु एवं मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण होता है। इनके संलयन के फलस्वरूप आपको जनन का युग्मनज का निर्माण होगा, और युग्मनज से नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया प्रक्रिया होगी, उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। और मनुष्य के अंदर कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन करने वाली कोशिकाएँ हैं, उन कोशिकाओं का विकास जीवन की एक विशेष अवधि में होता है, और इस विशेष अवधि को हम यौवनारंभ कहा जाता है। विशेष अवधि होगी, उस अवधि को हम किस नाम से जाना जाता है? यौवनारंभ कहा जाता है। और ये यौवनारंभ है वो नर या बालकों में प्रारंभ होता है, वो आपको 14 से 15 वर्ष की आयु में होता है, जबकि जो महिलाएँ हैं या मादा है उनके अंदर ये प्रारंभ होती हैं, वह 13 से 14 वर्ष की अवधि में यौवनारंभ की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यौवनारंभ होता है उसमें कुछ विशेष लक्षण दिखाए जाते हैं, जिसके आधार पर यौवनारंभ को पहचाना जा सकता है। उसमें आप देखेंगे तो नर के अंदर यौवनारंभ के समय आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, शरीर पर अधिक बालों की उपस्थिति होना, ये सारे लक्षण है वो नर में दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार से मादा के अंदर यौवनारंभ के लक्षण दिखाए जाते हैं, उसमें आप देखेंगे आवाज़ का पतली होना और महीन होना। साथ में आपको ध्यान रखना है जो शरीर पर जो तेल ग्रंथियाँ होती हैं उनका अधिक विकास होना, तथा आपको ध्यान रखना है महिलाओं में श्रोणी भाग का अधिक विकास होना है। इस प्रकार के लक्षण होते हैं वह महिलाओं के अंदर देखे जाते हैं। इसी के साथ रजोधर्म या रजोदर्शन की प्रक्रिया होती है वह प्रारंभ होती है। ये सारे लक्षण होते हैं वह किसमें देखे जाते हैं? महिलाओं के अंदर देखे जाते हैं। तो ये महिलाओं में लक्षण है वो यौवनारंभ के देखे जाते हैं। और यौवनारंभ की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में मुख्य रूप से जो उत्तरदायी हार्मोन होते हैं उस हार्मोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो नर में इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है, और मादाओं में इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये हार्मोन इनके लिए उत्तरदायी होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? जनन तंत्र के बारे में, यानी जो जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले नर जनन तंत्र के बारे में कि नर जनन तंत्र होता है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। नर जनन तंत्र, उसके बाद में बात करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि नर जनन तंत्र होता है उसमें दो मुख्य अंगों से मिलकर के बना होता है। पहला हमें ध्यान रखना है प्राथमिक जननांग या प्राइमरी गोनेड, प्राथमिक जननांग या प्राइमरी गोमेंट। और प्राथमिक जननांग के रूप में कार्य करता है वो कौन कार्य करता है? वर्षण करता है। तो प्राथमिक जननांग होगा वह वर्षण होता है। दूसरा हम देखेंगे द्वितीयक जननांग के बारे में, और द्वितीयक जननांग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो द्वितीयक जननांग में हमें ध्यान रखना है वर्षण के बाद में वर्षण होगा वह अधिवर्षण में खुलता है। तो वर्षण होगा वह किसमें खुलेगा? अधिवर्षण में खुलता है। अधिवर्षण पीछे की ओर खुलता है, वह आपको ध्यान रखना है शुक्रवाहिनी में खुलता है। शुक्रवाहिनी होगी वह पीछे की ओर खुलेगी, और वह कौन सा भाग होगा? तो आपको ध्यान रखना है शुक्रवाहिनी आगे जाकर के
और स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। और स्खलन वाहिनी होती है वह मूत्र मार्ग में खुलती हैं। मूत्र मार्ग के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इसके पार्श्व में ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिन्हें सहायक ग्रंथियां कहा जाता है। और ये तीन प्रकार की सहायक ग्रंथियां मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं। पहली आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है शुक्राशय। दूसरी सहायक ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरी सहायक ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है काउपर ग्रंथि, या जैसे बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है, ये ध्यान रखनी है। और पांचवा जनन अंग ध्यान रखना हमें सीसन। तो ये इस प्रकार से पांच सहायक अंग एवं एक मुख्य या प्राथमिक जनन अंग होता है उससे मिलकर के मनुष्य में नर जनन तंत्र का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो प्राथमिक जनन अंग, और प्राथमिक जनन अंग के रूप में क्या उपस्थित होते हैं, वर्षण उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिए प्राथमिक जनन अंग के रूप में क्या उपस्थित होते हैं, वर्षण उपस्थित होते हैं। अब ध्यान दें प्राथमिक जनन अंग किसे कहेंगे और द्वितीयक जनन अंग किसे कहते हैं, तो इसमें आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि वे जनन अंग जो युग्मकों का निर्माण करते हैं, वे जनन अंग जो नर युग्मकों का निर्माण करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, वर्षण कहा जाता है। तो युग्मक निर्माण करेंगे उस अंगों को हम प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, और ये युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं उसे हम द्वितीयक जनन अंग कहा जाता है, द्वितीयक जनन अंग कहा जाता है। तो इसमें मनुष्य में जो वर्षण होते हैं उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इस कारण से मनुष्य में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वो कौन सा उपस्थित होता है, वर्षण उपस्थित होता है। तो ये बात आपको क्लियर ध्यान रखनी है, प्राथमिक जनन अंग वे जनन अंग जो कि युग्मकों का निर्माण करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। प्राथमिक जनन अंग के रूप में क्या उपस्थित होते हैं, वर्षण उपस्थित होते हैं। और वर्षण होते हैं वे उदर गुहा के बाहर उपस्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर उपस्थित होते हैं। तो वर्षण उदर गुहा के बाहर उपस्थित होते हैं, और उदर गुहा के बाहर जो संरचना उपस्थित होती है उसे हम वर्षण कोश या स्क्रोटम कहा जाता है। तो उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश या किस में उपस्थित होते हैं, स्क्रोटम में उपस्थित होते हैं। तो वर्षण कोश या स्क्रोटम में उपस्थित होते हैं। वर्षण कोश या स्क्रोटम का तापमान होता है वह शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, और यह तापमान शुक्राणु उत्पादन के लिए जरूरी होता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु उत्पादन के लिए वर्षण का वर्षण कोश से बाहर उपस्थित होना, यानी उदर गुहा से बाहर उपस्थित होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह वर्षण के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है जो कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, वर्षण कोश के बारे में। वर्षण कोश के बाद में वर्षण के भीतर की ओर अनेक कोश उपस्थित होते हैं जिसे वर्षण कोश कहा जाता है या वर्षण पालियां कहा जाता है। तो अंदर की ओर बहुत सारी पालियां उपस्थित होती हैं जिसे वर्षण पालियां कहा जाता है। और वर्षण पालियां होती हैं उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं या सॉरी नलिकाएं उपस्थित होती हैं, पहली आप इसके अंदर, और उसे हम क्या कहते हैं, शुक्रजनन नलिकाएं कहा जाता है। और शुक्रजनन नलिकाओं के अतिरिक्त इसमें पार्श्व भाग होते हैं उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और जिन्हें हम लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। तो लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और नलिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, शुक्रजनन नलिकाएं कहा जाता है। लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। जबकि शुक्रजन नलिकाएं होती हैं उस शुक्रजन नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, एक शुक्राणुजन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, और दूसरी सर्टोली कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, वर्षण के बारे में। तो आप वापस से सुन लीजिए, मनुष्य में एक जोड़ी वर्षण उपस्थित होते हैं, ये प्राथमिक जनन अंग के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात नर युग्मकों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। वर्षण होते हैं वह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश या स्क्रोटम में स्थित होते हैं जिनका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है जो कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, यानी शुक्राणुओं के लिए आवश्यक तापमान होता है, उस तापमान को मेंटेन करने का कार्य स्क्रोटम या वर्षण कोश के द्वारा किया जाता है। वर्षण कोश के भीतर के वर्षण उपस्थित होते हैं, उस वर्षण में बहुत सारी पालियां उपस्थित जिसे वर्षण पालियां कहते हैं, वर्षण पालियों के अंदर शुक्रजन नलिकाएं उपस्थित होती हैं, और इन शुक्रजन नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, एक शुक्राणुजन कोशिकाएं और दूसरी सटोली कोशिकाएं। शुक्राणुजन कोशिकाएं शुक्राणुओं के निर्माण का कार्य करती हैं अर्धशूद्र विभाजन करके, जबकि आपको ध्यान रखना है सटोली कोशिकाएं पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। इन नलिकाओं के पार्श्व में या अंतरालों में विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित जिसे लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। तो वर्षण के दो मुख्य कार्य, शुक्राणुओं का उत्पादन करना तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना, इसका कार्य होता है वर्षण का कार्य होता है।
फिर वर्षण है वह आगे जाकर किस में खुलता है, अधिवर्षण में खुलता है। वर्षण होगी उसकी नलिकाएं होगी, वह आगे जाकर किस में खुलेगी, अधिवर्षण में खुलती है। अधिवर्षण एक लंबी कुंडलित नलिकाएं होती है, लंबी कुंडलित नलिकाएं होती हैं और अधिवर्षण होता है वह शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होता है। तथा अधिवर्षण होगा वह पीछे की ओर खुलता है और पीछे की ओर एक वाहिनी में खुलेगा जो कि वर्षण से निकल करके और उदर गुहा में प्रवेश करती है। उस वाहिनी को हम क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी के नाम से जाना जाता है। एक जोड़ी शुक्र वाहिनियाँ मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं। मनुष्य के अंदर शुक्र वाहिनियों की संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी शुक्र वाहिनियाँ उपस्थित हैं। ये शुक्र वाहिनियाँ जो मूत्र वाहिनी होती हैं उसके ऊपर लूप बनाकर, मूत्र वाहिनी होगी उस मूत्र वाहिनी के ऊपर लूप बना करके और आपको जानना है मूत्र मार्ग में खुलेगी स्खलन वाहिनी के रूप में। यहाँ पर वाहिनी है वो कौन सी वाहिनी है, स्खलन वाहिनी है और स्खलन वाहिनी के रूप में यह किस में खुलती है, तो आपको देखो मूत्र वाहिनी के अंदर खुलती है, मूत्र मार्ग के अंदर खुलती है। और ये भाग है ये मूत्राशय, मूत्राशय से आने वाली मूत्र वाहिनी होगी वो मूत्र वाहिनी स्खलन वाहिनी के साथ मिलकर के और मूत्र मार्ग का निर्माण करती हैं। तो शुक्र वाहिनी कंप्लीट हो गई। क्या ध्यान रखना, मनुष्य में एक जोड़ी शुक्र वाहिनी उपस्थित होती हैं जो अधिवर्षण से निकल करके और मूत्र वाहिनी के साथ लूप बनाकर स्खलन वाहिनी के रूप में मूत्र मार्ग में खुलती है। अब उसके बाद में अगला भाग हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में। यह मार्ग होता है वो आपको ध्यान रखना है किसके साथ मिलने से बनेगा, स्खलन वाहिनी एवं मूत्राशय से आने वाली जो मूत्र वाहिनी होती है उस मूत्र वाहिनी के साथ में मिलेगी और मूत्र वाहिनी के साथ में मिलने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण हो जाएगा, तो मूत्र मार्ग का निर्माण होता है। ये मूत्र मार्ग होगा वो जनन और मूत्र मार्ग दोनों मार्ग के रूप में कार्य करता है, इस कारण से इसे जनन मूत्र मार्ग भी कहा जाता है। अगला हमें ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, सहायक ग्रंथियाँ। और मनुष्य के अंदर जनन से संबंधित तीन सहायक ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, एक आपको ध्यान रखना है शुक्राशय, दूसरी प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरी काउपर ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है। देखो इसमें ध्यान दें कि यह ग्रंथि जो कि स्खलन वाहिनी के पार्श्व उपस्थित होती है उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, तो उसे ग्रंथि को हम शुक्राशय के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथि वो कौन सी ग्रंथि है, शुक्राशय है, यह हमें ध्यान रखना है। और शुक्राशय होता है वो शुक्राशय के द्वारा तरल पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है जो कि वीर्य का भाग बनाते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरा भाग आपको ध्यान रखना है जो प्रोस्टेट ग्रंथि, यह भी ग्रंथि होगी, उस ग्रंथि के द्वारा तरल पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है जो कि वीर्य के भाग का निर्माण करते हैं। और तीसरी ग्रंथि होती है जो मूत्र जनन मार्ग को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है, उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, काउपर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो तीन प्रकार की सहायक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो कि जनन में सहायता करती हैं। लास्ट भाग हमें ध्यान रखना है सीसन, ये आपको ध्यान रखना है पेशियों से बनी हुई संरचना उपस्थित होती है जो कि शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये था किसके बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है।